दिन कैसे हो सब। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर काफी खूबसूरती से खत्म हो जाने के बाद हम आ गए हैं एमएससी थर्ड सेमेस्टर में। ये है एमएससी थर्ड सेमेस्टर का एमजी के रूपी यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी का लेटेस्ट सिलेबस एनईपी के द्वारा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार जो एमएससी जूलॉजी है काशी विद्यापीठ के लिए वो क्या कहता है अपने सिलेबस में और क्या पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पे हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और कहाँ हमें थोड़ा सा काम चलने पे चल जाएगा, कौन से टॉपिक ज्यादा हमारे लिए मजबूत होंगे जो लाइफ टाइम यानी आगे रिसर्च पेपर और बाकी में आपको हेल्प करेंगे। और उसी के साथ साथ आज हम अपने मेन तीन पेपर के साथ तीन स्पेशलाइजेशन पेपर देखेंगे और उसमें से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। क्या चूज करना है, यदि गाइडेंस और बाकी चीज चाहिए तो आप हमें जरूर बाद में संपर्क करिएगा। पहले हम चलते हैं अपने टॉपिक को क्लियर करते हैं। आज क्या कहता है हमारा आज का ये टॉपिक, आप देख रहे हैं एमजीकेवीपी वाराणसी का, ये है नया बैच और बैच में हम लोग देख रहे हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के बाद बीएससी थर्ड सेमेस्टर का। बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जूलॉजी को हम लोग देख रहे हैं बेटा। जैसे हमने पिछले क्लासेस में सारे नोट्स और बाकी चीजें हमने प्रोवाइड कर रखी थी, वैसे इस बार भी हम लोग उसी फंडे पे काम करने वाले हैं। और जूलॉजी है, इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और उसके साथ साथ जो कंप्लीट नोट्स हैं, स्टडी मटेरियल वो, और डिजिटल प्रैक्टिस और एग्जाम सपोर्ट, वो जैसे हम आपको देते हैं वैसे देते आएंगे, ठीक है। ये 2000 का कोर्स है जिसमें चार पेपर हमारे सम्मिलित हैं जिसमें स्पेशलाइजेशन भी इंक्लूड है, ठीक है। ये रहा इन्फॉर्मेशन हमारे कोर्स के बारे में। चलते हम टॉपिक के बारे में देखते हैं कि आखिरकार क्या क्या टॉपिक हमें एमएससी थर्ड सेमेस्टर में देखने के लिए मिल जाता है। जब एमएससी थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं तो हम फाइनल ईयर में आ गए होते हैं, हमें काफी गुरूर होता है खुद पे और जितनी भी हिम्मत दो सेमेस्टर में मर गई होती है कि जो सिलेबस में कितना स्कोर किए कितना नहीं कर पाए, किसी का काफी अच्छा जाता है किसी का काफी बुरा जाता है। तो कैसा गया है आप जरूर बताइए कि हम एमएससी में कितने परसेंट पाए हैं। अभी तक हमारे पास लगभग 82% एमएससी में हमारे यहाँ से जा चुका है। एमएससी में सात बच्चे अगले साल गोल्ड मेडल पाने की उम्मीद थी, इस बार 4-5 मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आप कहाँ तक स्कोर करते हैं, चलते हैं डील करते हैं। पहले ये एमएससी का फाइनल ईयर सब्जेक्ट है, आप जूलॉजी देख रहे हैं सेमेस्टर थर्ड के बारे में, ठीक है। और मैं अपने बारे में बता दूं, माइसेल प्रहलाद, आप देख रहे हैं वेनार क्लासेस, ठीक। अब देखो बेटा यहाँ पे तीन पेपर जो हमारे पास हैं वो जनरल पेपर होते हैं जो सबको पढ़ने पड़ते हैं, इसमें कोई काट छाट नहीं होती ना ही कोई चूज करने के विषय होते हैं। नंबर फर्स्ट पेपर की बात कर, जो पेपर कोड हमारा 301 होता है, इसमें हम लोग अप्लाइड जूलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। ये अप्लाइड जूलॉजी काफी बेसिक है, इसके बारे में बीएससी थर्ड ईयर में आपने पढ़ रखा था थोड़ा सा, सेम वही चीज है, यहाँ भी थोड़ा सा आपको पढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 302 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, जो आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी पहले सेकेंड सेमेस्टर सेकेंड ईयर में पढ़ते थे बीएससी के, ठीक वही होगा लेकिन थोड़ा सा लार्ज होगा, काफी डिटेल होगा, ठीक है, इसमें थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, एंडोक्राइनोलॉजी है, ये नया टॉपिक होगा आपके लिए, आपको इसमें मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा अच्छे समझना पड़ेगा ताकि आप बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी हार्मोन्स और बाकी जो उनके मैकेनिजम्स हैं उनको काफी बेहतर तरीके से समझ पाएं और अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएं, ठीक है। उसके बाद ये तीन तो जनरल पेपर है जो सबको हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। तीनों पेपर के नोट्स इस पेपर के और इस पेपर के नोट्स हमने तैयार कर चुके हैं, बस इसमें काम चल रहा है। अब बात करते हैं स्पेशलाइजेशन के। स्पेशलाइजेशन आप अपने सुरक्षा के अनुसार ले सकते हैं, जहां पे यदि आपको चूज करने का विषय दिया जाए तो। यदि आप ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं जहां पे स्पेशलाइजेशन के बारे में आपको नहीं चूज करने के मिलता तो आपको फिशरी या सेल बायोलॉजी के बारे में लोग बोलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ तीन पेपर होते हैं, एक 304A होता है, एक 304B होता है, एक 304C होते हैं। ये तीन पेपर आपको दिखाई देंगे, जो यहाँ चूज करेंगे वही आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी चूज करना पड़ेगा, यानी फोर्थ सेमेस्टर में भी तीन पेपर हमारे कॉमन होंगे, उसमें भी हमको इसमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा। जो यहाँ यानी 40A आप लेंगे, सॉरी 30A लेंगे, 304A तो वहां पे 404A वहां भी चूज करना पड़ेगा फोर्थ सेमेस्टर के अंदर। देखो जब स्पेशलाइजेशन पेपर की बात करते हैं, स्पेशल पेपर, इसी पे आपको रिसर्च लिखना पड़ेगा, इसलिए आप इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, रिसर्च पेपर इसी पे टॉपिक पे लिखा जाएगा। यहाँ पे फिशरी बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं और उसके टैक्सोनॉमी और मॉर्फोलॉजी, यानी फिशेस होंगे, फिशों के पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा और फिशेस के क्लासिफिकेशन के बाद उनके और जो मॉर्फोलॉजी है उनके बारे में, कि उनकी पूरी बॉडी की बनावट कैसी है, वो कैसे दिखते हैं, उनके बारे में हमको डिस्कस करना पड़ता है। उसके बाद अगला हमारा एंटमोलॉजी है, एंटमोलॉजी कीट है, कीट इंसेक्ट को जानते हो ना, इंसेक्ट कीट पतंगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल होता है, काफी बड़ी
एक एरा है एंटमोलॉजिस्ट का, वो आप यदि जानते हैं आदि आगे चल के आपको रिसर्च करना है, मेरा एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, तो आप को चूज करो, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि आप इसमें जाए। आपको आगे इक्वा कल्चर में जाना है, इक्वा कल्चर के बेसिस पे आपको फिशरी में आप काम करना है आगे चल के, तो आप इसमें जाइए। आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, अगर रिसर्च या पीएचडी करनी है तो आप इसमें जाइए। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन के ओर बढ़ना है तो यहाँ पे सेल एंड साइटोलॉजिकल टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे, हमारा स्पेशलाइजेशन इसी में है, सेल एंड साइटोलॉजिकल टेक्निक के बारे में, यानी सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी क्या होती है, सेल के सारे ऑर्गेनल्स कैसे काम करते हैं, उनके सिस्टम कैसे होते हैं, और साइटोलॉजी टेक्निक के बारे में देखा जाएगा कि जो साइटोलॉजी होती है जो हमारे बॉडी के अंदर यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होती है उनको कैसे अलग अलग टेक्निक के सहायता से हम समझ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। यानी ये तीन अलग अलग एरा होंगे, आप चूज करिएगा आपका जो भी इंपॉर्टेंस हो, मेरी मानो तो मैं किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, ये आप पहले चूज कर लो, कंफ्यूज हो जाओगे तो मेरे से पूछ लेना लास्ट में, मैं आपको डिस्कस करके ये बता दूंगा, ठीक है। ये चार पेपर होंगे जो आपको 400 नंबर में आपको दिए जाएंगे, ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा अगले नंबर पे, अब बात करते हैं 301 के, तो जो 301 जो है ये है हमारा अप्लाइड जूलॉजी, इसमें चार यूनिट होंगे, ठीक है, सबके चार चार यूनिट होते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसको समझना पड़ेगा। पहले बात करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में, जो यूनिट नंबर फर्स्ट बेटा वो आता है एक्वा कल्चर से, किसके बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं एक्वा कल्चर से। देखो जब एक्वा कल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसको जल कृषि हिंदी में कहते हैं, लोग जो हिंदी वाले होंगे कभी वैसे एमएससी के बच्चे हैं तो हिंदी में क्या इंग्लिश तो आ गया होगा। एक्वा कल्चर की बात करते हैं, वो भी मैराइन यानी हम लोग मैराइन की बात कर लें और रिवर की बात कर लें कि जो रिवर में पाए जाने वाले होते हैं, जो समुद्रों में पाए जाने वाले होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत किया जाएगा, जो मछलियां होती हैं उनके बारे में, ठीक है। कैसे कि भारत में कौन कौन सी मछलियां हैं, भारत में कौन कौन सी मछलियां हैं, जैसे कुछ खास मछलियां भारत में होती हैं, जैसे यहाँ पे वाल्गे है, क्या है, वाल्गो है, इक्वला है, उसके बाद हापो, क्या बोलते हैं, हापोडान है, नेप्टोरस है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वालियर्स होगा, उसके बाद लोबिया होगा, लेबिया बोलते हैं, लेबियोरोइता, उसके बाद कैटला होगा, उसके बाद सिरनस होता है, ठीक है। ये कई ऐसी मछलियां हैं जो भारत में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, तो यानी इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा कि भारत में स्पेशली फिश कल्चर कैसे है, और जो स्पीसीज ये हैं क्या है, जो स्पीसीज हमारे फूड फिशेस के रूप में, क्या फूड फिशेस के रूप में इंडिया में हम लोग कुछ स्पीसीज यूज करते हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस कराया जाएगा आपको, ठीक है, कि भारत में हम लोग ऐसे कौन कौन से मछलियां हैं जिसे हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और यहाँ पे हो गया 8, 1, 9, ठीक है, 9 लगभग मछलियां या 9 या 10 मछलियों के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद बारबस है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, फिश कल्चर देखेंगे कि आखिर भारत में फिश कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे इनको पढ़ाया जाता है और हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। यदि फिशरी किसी को लेना पड़ेगा तो ये फिशरी लोगे तो इस वाले टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है, ये यूनिट। उसके बाद हम देखेंगे क्या कि आखिरकार कल्चर ऑफ क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि हमारे पास क्या क्राफ्ट्स के बारे में कि आखिरकार इनके पूरे पूरा इन्वायरमेंट कैसे होता है, कैसे हम समझेंगे, कैसे हम इनको फसलों के रूप में यूज कर सकते हैं आगे और मैक्सिमम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वहां से उठा सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस यहां से करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कह सकते हो 25 नंबर का ये हमारा यूनिट होगा, इसको अच्छे तरीके से हमको डील करना पड़ेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में चलते हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिकेशन से बात होती है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं। जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं तो ये सारा रिसर्चिकल पेपर है, इसमें एनिमल हस्बेंड्री की बात कर लेंगे कि आखिरकार कैसे एनिमल हस्बेंड्री के बेसिस पे एनिमल को हम लोग पाते हैं एंड पोल्ट्री जो होती है उनके बारे में। तो एनिमल हस्बेंड्री एंड पोल्ट्री में क्या देखना है मेरे को, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि हम लोग इंपॉर्टेंट ब्रीड देखेंगे कि कैटल ऑफ इंडिया, इन इंडिया में इंपॉर्टेंट ब्रीड क्या हैं, उसके बाद यहाँ पे एग्जॉस्टिक ब्रीड्स क्या होते हैं, उसके बाद कैटल ब्रीडिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग क्या होती है और फीडिंग मैनेजमेंट कैसे होता है, उसके बाद हम लोग डेयरी का स्टॉक कैसे रखते हैं, डेयरी प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल केमिस्ट्री ऑफ मिल्क जो है और दूध जो है उसका रसायन पूरा क्या है, ठीक है। उसके बाद पोल्ट्री जो क्या पोल्ट्री इंडस्ट्री है उनके बारे में बात करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पोल्ट्री के ब्रीड्स होते हैं जो कुक्कुट पालन कहते हैं, कुक्कुट पालन के अलग अलग ब्रीड क्या हैं और कुक्कुट पालन कैसे करते हैं ये सारा और उनके जो डिजीज हैं वो क्या हैं सबके बारे में डिस्कस जब करना पड़ेगा तो हम लोग चलेंगे यूनिट नंबर 2 के अंदर। यानी हम लोग यहाँ पे बेसिक क्या देखेंगे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल को देखा जाएगा, मेरा हेडिंग्स होगा इस यूनिट नंबर 2 का, और नंबर 2 में हम लोग एनिमल हस्बेंड्री और
पोल्ट्री को हम लोग, सॉरी पोल्ट्री बोलते हैं, पोल्ट्री पोल्ट्री फार्म को कहीं ना कहीं क्लूज करेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री को आपको देखना पड़ेगा। तो आप कहाँ जाओ, डेयरी को आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे पोल्ट्री के बारे में बात करेंगे तो पोल्ट्री करने जो मुर्गी पालन होती है, ठीक है, जो हमारे बड़े बड़े मुर्गी पालन अनुसंधान है वहां पे हम जाके इनके बारे में पढ़ सकते हैं और उनसे काफी अच्छा ज्ञान वहां से ले सकते हैं। इसमें भी रिसर्च पेपर काफी अच्छे से किया जा सकता है काफी अलग अलग शेड्यूल्स पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अगला हमारे नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एपिकल्चर के बारे में बात होगा। कह रहा है कि एपिकल्चर में क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ बी कीपिंग, यानी हम लोग मधुमक्खी पालन में क्या समझते हैं, और इकोकल्चर मतलब एपिकल्चर क्या होता है, इनके बारे में पूरा एपिकल्चर का शेड्यूल होगा। मेरा रिसर्च पेपर भी इसी पे हुआ एक, ठीक है। एपिकल्चर, एपिकल्चर के स्पीशीज कौन कौन से होते हैं उनके बारे में, एपिकल्चर निकलने वाला जो मटेरियल है और जो हनी है, जो पूरी स्ट्रक्चर से वो कैसे हैं, उनकी सोशल लाइफ कैसी होती है, ठीक है, हनी बी की और प्रॉपर्टीज ऑफ हनी क्या होता है और उसके केमिकल्स कैसे कैसे होते हैं उनके बारे में डिस्कस हमको करना पड़ेगा। तो ये बेसिक यूनिट सबसे कम मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी में ये 25 नंबर के लिए सबसे कम मेहनत करने पड़ेंगे, 5 या 6 क्लास हम दे देते हैं, इसमें हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेरीकल्चर के बारे में। सेरीकल्चर में मेलबेरी क्या है, उसको नॉन मेलबेरी सेरीकल्चर क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन मतलब टॉपिक ये भी छोटा है, आपने पढ़ा होगा सेरीकल्चर का पूरा, ठीक है, उसका टॉजर क्या होता है, मूंगा क्या होता है, और जो सेरीकल्चर से वो क्या है, ठीक है। और उसके बाद लाइफ साइकिल उनका देखना पड़ेगा, सिल्क कैसे बनते हैं, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सिल्क के बारे में बात करने का। सबसे ज्यादा मेहनत हमको लगता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक। अब आगे बात करते हैं बेटा, यहाँ पे नंबर 4 आता है। नंबर 4 में वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट, जैसे हमने देखा ना एग्रीकल्चर फील्ड से ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। यदि आपको आगे चल के किस पे बात करना पड़े, आपको इक्वा कल्चर से पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपके लिए काफी यूनिट जबरदस्त होने वाला है। इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि वर्मी कल्चर का इंट्रोडक्शन क्या है, उसका इकोलॉजी क्या होता है, और उसके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थवर्म, यानी जो अर्थवर्म होते हैं उनका परिचय, उनका पूरा पूरा इन्वायरमेंट और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका वितरण पूरा हमको कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वर्मी कल्चर को देखना पड़ेगा और वर्मी कंपोस्ट स्टिंग के मेथड क्या होते हैं, उनके केमिकल कंपोजिशन ऑफ वेस्टेज कैसे होते हैं, ठीक है, जो वर्मी कंपोस्ट में यूज आएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ वर्मी कंपोस्ट के बारे में बात करना पड़ेगा कि वर्मी कंपोस्ट का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या, हमने बनाने तो खाद बना दिया, वर्मी कंपोस्ट बना दिया, इसको कैसे हम लोग बड़े बिजनेस पे स्केल कर सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, वहां पे कहीं ना कहीं मेरे को इस पे बातचीत करना पड़ेगा। उसके बाद अर्थवर्म के जो अलग अलग चीज है वो कैसी है जो हमारे वर्मी कंपोस्टिंग के अंदर काम करेंगे, ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि सारे जो अर्थवर्म होते हैं वो वर्मी कंपोस्ट में यूज नहीं आते, अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरीके से वर्मी कंपोस्ट में यूज आते हैं, तो उनको देखना काफी जरूरी हो जाता है, ठीक। आगे बात करेंगे कि आखिरकार स्पीशीज ऑफ अर्थवर्म फॉर वर्मी कंपोस्टिंग, तो इसके बारे में देखना पड़ेगा। उसके बाद इन सीटू एप्लीकेशन देखने पड़ेंगे, इन सीटू और एस सीटू एप्लीकेशन के बारे में देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एक बेहतर कल्चर में पूरा वर्मी कंपोस्ट को लगा सकते हैं, और उसके हमारे जो वर्मी कंपोस्ट है या वर्मी कल्चर है और कार प्रोडक्टिविटी है वो कैसे काम करती है, और यूज ऑफ अर्थ वर्म हम कैसे काम करेंगे और हमारे भूमि के लिए कैसे वो काम करता है, उनका सारा डिस्कस नंबर 4 में देखा जाएगा, ठीक है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं ऊपर से बता रहा हूँ, बाकी जब क्लासेस चलेंगी तो उनके बारे में हमको बातचीत तो करना ही करना है। उसके बाद बात करेंगे बेटा, ये पेपर नंबर फर्स्ट हुआ जो 100 नंबर का होगा, 75 नंबर आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, 25 नंबर आपका होम एग्जाम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ 302 के बारे में, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, बड़ा मस्त टॉपिक है बेटा, ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है। यहाँ पे गोनाड्स और गैमेटोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। आपने क्लास कहीं ना कहीं 12th में आपको पढ़ रखा है, बीएससी में पढ़ रखा है, तो आप दोबारा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं छोटी चीजें कभी आपको दोबारा सुनने के लिए मिलेंगी। पहला यहाँ पे पहला है सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ इन वर्टिवेट, यानी वर्टिवेट के अंदर जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट खासकर वर्टिवेट के अंदर, कॉर्डेट का जो वर्टिवेट है उनके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है या डिफरेंशिएशन कैसे होता है उनके बारे में बात करें, डिटरमिनेशन भी हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे कंपेरेटिव अकाउंट देखना है किसके बेटा, डिफरेंशिएशन किसके बीच, गोनाड्स ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं उनके बीच क्या क्या डिफरेंट होता है उनके बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस करना हुआ मतलब करता हुआ हमको समझ में आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ इनवर्टिवेट, यानी जो इनवर्टिवेट होते हैं उनमें वर्टिवेट के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का कैसे बनना होता है। उसके बाद यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी ऑफ द ओबरी, ओबरी के अंदर की जो पूरी हार्मोनल चेंजेस हैं, हार्मोन कैसे निकलते हैं उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या देखना पड़ेगा, जो जेनेसिस होता है उनके बारे में, उसके बाद ओविटोजेनेसिस के बारे में देखना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सुपरवेलेशन के बारे में बात करनी पड़ेगी, यानी ये कुल मिलाकर 5 टॉपिक है, कुल 9 क्लास यहाँ से बनेंगे और 9 क्लास में हम लोग इस यूनिट को डील करेंगे। मेरे पास सारा नोट्स बन चुका है,
यूनिट नंबर दो की बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोजेनेसिस की बात करेंगे। यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन देखना है इन विवो और इंट्रो के फॉर्म में, यानी बॉडी के अंदर कैसे फर्टिलाइजेशन हम करा सकते हैं और बॉडी के बाहर कैसे फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, ये सारा डिस्कस इसके अंदर कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्या होता है, पैटर्न ऑफ क्लीवेज को काफी डील मतलब अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझना काफी जरूरी हो जाता है। उसके बाद पैटर्न ऑफ गैस्ट्रुलेशंस इन फ्रॉग एंड चिक, यानी जो हमारा मेढक है और जो हमारा चिक है, यानी क्या कहते हैं उसको, मुर्गी का बच्चा है, उसके अंदर हम लोग बात करेंगे कि उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस क्या होते हैं, उनको हम लोग डील करेंगे। यानी कुल मिलाकर एक दो और उसके बाद तीन एक चार एक पांच, पांच क्लास आपको यहां से मिल जाएगा। ये भी आपका 25 नंबर का यूनिट है, बड़ा अच्छे से मतलब 20 नंबर का नोट होता है, आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये मेरा नोट करना बेटा, ये जब भी आपको पढ़ना होगा या मैं पढ़ाऊंगा वहां पे इन चीजों को आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में बात कर रहा है कि हमारे बॉडी में ऑर्गन कैसे बनते हैं, खासकर ब्रेन की बात किया जाएगा यहाँ पे, कि इन जो हमारे वर्टिब्रेट होते हैं वर्टिब्रेट का ब्रेन कैसे डेवलप होता है, और जो हमारे वर्टिब्रेट होते हैं उनके आई कैसे डेवलप होते हैं, यानी आंख और ब्रेन के बारे में आपको डील कराया जाएगा इस पूरे यूनिट में। यानी कुल मिलाकर मैं बताऊं कि दो क्लास में तो मैं ले लूंगा, तीन तीन घंटे का क्लास है, चार चार घंटे का, चार घंटा इसमें लगेगा, चार घंटा इसमें, यदि आठ घंटा लगा तो आठ वीडियो बनेंगे, या फिर हम किसी दिन संडे को रिकॉर्ड करेंगे तो तीन घंटे के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे एक क्लास को। उसके बाद हम बात करेंगे यूनिट नंबर फोर की, जब यूनिट नंबर फोर की बात करेंगे तो यहाँ पे हार्मोन्स की बात किया जाएगा एंड रिप्रोडक्शन की बात किया जाएगा। हार्मोन्स में हम लोग सीजनल हार्मोन्स और कंटिन्यूअस जो ब्रीडिंग होती है और जो उनके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स कौन से निकलते हैं जो रिप्रोडक्शन के दौरान काफी हेल्प करते हैं, उनके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद डिफरेंस के बारे में बात कर रहा है, सेल्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी जो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहे होते हैं हमारे बॉडी में, उस समय हमारा कौन कौन सा हार्मोन हमें चाहिए होता है, ठीक है, कौन कौन सा हमारा हार्मोन सिक्रेशन होता है, उनके बारे में हमको देखना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ इंक्लूडिंग ड्यूरिंग यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस, प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, यानी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन को हमको देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि आखिरकार जब आर्गन का डेवलपमेंट हो रहा होता है हमारे बॉडी में, तो आर्गन के डेवलपमेंट होते समय हमारा कौन कौन सा हार्मोन हमारे बॉडी से रिलीज होता है, उनको डिस्कस कराया जाएगा इस लास्ट यूनिट के अंदर। यानी कुल मिलाकर के लास्ट यूनिट जो है वो हार्मोन्स के बेसिस पे ही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक, जो नया होगा काफी पहली बार आप पढ़ेंगे, काफी अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे यहाँ पे इंडोक्राइनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, तो इंडोक्राइनोलॉजी का चार छोटा यूनिट, सबसे छोटा टॉपिक यही है लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत करना है, सबसे कम सबसे जल्दी तैयार होता है ये टॉपिक, ठीक है, एक दिन में आप इसको चाहोगे रिवीजन के लिए तो आपको पढ़ के रेडी हो जाओगे। यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, हार्मोन्स एज मैसेंजर, यानी हार्मोन्स कैसे मैसेंजर के रूप में काम करते हैं उनको डील किया जाएगा, उनके टाइप क्या होते हैं उनको डील किया जाएगा, उनके स्ट्रक्चर्स केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उनको डील किया जाएगा, वो फंक्शंस क्या करते हैं, ठीक है, किसके किसके बेटा, प्यूटिट्री की पढ़ना है, पेनक्रियाज पढ़ना है और एड्रेनल ग्लैंड्स, तीन के बारे में पढ़ना है, तीन के बारे में एक दो तीन, यानी तीन तीन क्लास सबके बनेंगे, यानी इनके दो क्लास, इनके दो क्लास, इनके दो क्लास, यानी इनके दो क्लास और हमारे पास छह क्लास हमारा हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या देखना है बेटा, यहाँ पे फाइलोजेनी ऑफ थायराइड ग्लैंड्स के बारे में बात करनी है, कि थायराइड ग्लैंड्स का पूरा स्ट्रक्चर ही देख लेंगे अच्छे तरीके से, क्या करता है, कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या है, कैसे किसके डिफिशियंसीज की क्या क्या दिखाएंगे हमारे बॉडी में, इफेक्ट क्या क्या होती है, इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात करेंगे, किसकी, थायराइड्स की। उसके बाद पैराथायराइड्स हमारे पास होता है और गोनाड्स होते हैं, ठीक है, यानी तीन इसमें भी ग्लैंड्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, छह क्लास आपको यहां से मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं नंबर थर्ड की, यहाँ पे नेचर ऑफ एक्शन आप पेप्टाइड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, यानी पेप्टाइड हार्मोन्स कैसे नेचर दिखाते हैं और जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स दिखाते हैं, यानी प्रोटीन से बने हुए जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स, और जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं वो कैसे हमारे बॉडी में एक्शन करते हैं, उनके नेचर्स को डील करना पड़ेगा, यानी एक क्लास इस पे हो जाएगा, एक क्लास इस पे हो जाएगा। उसके बाद बायोसिंथेसिस एंड और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स, यानी हमारे बॉडी में हार्मोन्स का सिक्रेशन कैसे होता है और हमारे बॉडी में हार्मोन्स बनते कैसे हैं, इनके बारे में भी हमको यूनिट नंबर थर्ड के अंदर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि अभी तो क्लास से डिसाइड होगा, जब नोट्स हम बनाएंगे इस पे तब। आगे बात करते हैं नंबर चार की, तो यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास न्यूरो है, क्या है, न्यूरॉन सिस्टम्स होते हैं, या जो हमारे पास न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम को सही तरीके से कंट्रोल कोऑर्डिनेट करने के लिए कौन कौन से हार्मोन चाहिए होते हैं उनके बारे में हमें देखना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर मतलब नर्व सिस्टम जो होते हैं वो कैसे इफेक्टेड होते हैं हमारे हार्मोन से, और उनमें जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं उनके बिहेवियर क्या होते हैं, या हार्मोन्स के प्रति उनके बिहेवियर कैसे होते हैं, सबको डील किया जाएगा इस वाले अंदर।
ठीक है, ये तीन पेपर हुआ जो आपको जनरल है। अब उसके बाद रही आपको स्पेशल पेपर, ये फिशरी रहा बेटा। आप अपने, मैं नोट्स दे दूंगा, मैं इसको डेवलप नहीं, मतलब इसको डिस्कस नहीं करा सकता, मैं नोट्स दे दे रहा हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ये हमारा फिशरी है, ठीक है, ये नंबर एक है जो सबसे बड़ा हमारे पास है, ये नंबर दो है, ये नंबर तीन है और ये नंबर चार है, ठीक। मेरे मकसद से तो ये नंबर जो फर्स्ट है थोड़ा सा ज्यादा है, इसमें मेहनत करना पड़ेगा आपको, और नंबर चार पे मेहनत करना पड़ेगा। कहाँ गया, चार पे मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बारे में एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है, ठीक है, खासकर पीनियल ग्लैंड्स के बारे में, हाइपोफेसिस के बारे में, थायराइड्स के बारे में, एड्रेनल्स के बारे में, ये काफी थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समझना पड़ता है इन टॉपिक को, डिस्कस बारे में। मेरा स्पेशलाइजेशन इस सब्जेक्ट में नहीं है, इसको पढ़ के ही पढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एंटमोलॉजी के बारे में बात करें, तो एंटमोलॉजी के बेसिस में देखो मार्फोलॉजी, यानी जो इंसेक्ट होते हैं उनके मार्फोलॉजी कैसे होते हैं, उनकी फिजियोलॉजी कैसी होती है, और उसके बाद उनके डेवलपमेंट कैसे होते हैं और कहाँ रहते हैं, उनको इकोसिस्टम कैसे होते हैं, उनके बारे में आपको क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। यानी कोई मेरे को देखा जाए बेटा तो लगभग लगभग हम कह सकते हैं 50 क्लास तो बहुत है, 50 क्लास तो ज्यादा हो जाएगा, आई थिंक 50 नहीं, इसको 30 से 50 क्लास के अंदर हम लोग सबमिट कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमने बता दिया है और इकोसिस्टम आप देख लेंगे। उसके बाद ये वाला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है, सेल बायोलॉजी एंड हमारे पास साइटोलॉजिकल टेक्निक के बारे में। यहाँ पे हमको क्या देखना है, यहाँ पे एलिमेंट्री प्रिंसिपल के बारे में बात करना है, और हमारे बॉडी में जितने भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम्स होते हैं और हमारे बॉडी के अंदर और जितने भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स होते हैं उनसे दिखने वाले जितने भी प्रारूप होते हैं हमारे बॉडी के, उनके बारे में बात करेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होते हैं, उसके बाद एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ फेजेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड स्कैनिंग और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होते हैं उनके बारे में, यानी कैसे हम लोग सेल को यूज करेंगे, सेल को यूज करने का जो प्रोसेस है वो आपको नंबर फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा। नंबर दो में बात करेंगे बेटा, तो ये सारा देखो, ये मैंने मेरे पास सारा नोट्स बन चुका है, ये थ्योरी एंड एप्लीकेशन पढ़ना है, किसके, फ्रिज के बारे में, ठीक है, और ड्राइंग के बारे में, और एक्सरे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेडियो ऑटोग्राफी क्या होती है, और फ्लोरोसेंट्स क्या होते हैं, एंटीबॉडी टेक्निक्स कैसे करते हैं हम लोग, उसके बाद हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन कैसे होते हैं, मेथड ऑफ टिश्यू कल्चर क्या होता है, सबके बारे में एक क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे। नंबर थर्ड की बात करेंगे, तो ये थ्योरिकल बेसिस हमारे पास होते हैं कि जो कैलोरीमेट्री प्रोसेस है और बायोकेमिकल और जो एस्टिमेशंस होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के, प्रोटीन्स को हम कैसे निकालेंगे, न्यूक्लिक एसिड को कैसे अलग करेंगे हमारे बॉडी से, सेल को कैसे, सेल से डीएनए कैसे बाहर निकालते हैं, सारा प्रोसेस हमको नंबर थर्ड में पढ़ाया जाएगा, काफी छोटा है लेकिन मजेदार आता है। नंबर फोर की बात करेंगे, तो यह है क्या, केमिकल बेसिस ऑफ फिक्सेशन की बात करेंगे एंड साइटोकेमिकल यहाँ पे लोकलाइजेशन की बात करेंगे, इसके प्रोटीन्स को, कि प्रोटीन्स को हम साइटोलॉजी में कैसे फिक्स कर सकते हैं और उसको कैसे अभिरंजित कर सकते हैं। प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, ग्लाइकोजन, आरएनए और डीएनए, यानी प्रोटीन को कैसे देखेंगे सेल के अंदर, लिपिड को कैसे देखेंगे, उसके बाद ग्लाइकोजन एंड डीएनए और आरएनए को कैसे डिस्कस किया जाएगा, इनके बारे में ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद फास्फेट है, उसके बाद एस्टर्स होते हैं, ऑक्सीडेज होते हैं ढेर सारे, इनके बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। ये बेसिक सा टॉपिक होगा बेटा जो आपको डिस्कस कराया जाएगा, ठीक है। तो मैंने काफी जोर न दिया क्या, बस आपको ओवरव्यू एक इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप ठीक तरीके से इसको समझ सके। ये हमारा वीएनआर क्लासेस का एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, जहां पे आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये है पूरा शेड्यूल, आपको कोर्स दिख जाएगा, कोर्स के अंदर आप जाएंगे तो ये आपको दिखेगा, यहाँ पे होम दिखेगा, यहाँ पे ऑल कोर्सेज, यहाँ पे यूपीबीएससी, यहाँ पे यूपीएमएससी दिखेगा। यूपीएमएससी को आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ढेर सारा दिखेगा, ये आपके अलग अलग, ये हमारा उत्तर प्रदेश एमएससी है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के ढेर सारे इसमें मर्ज कर दिया गया है। इसी के नीचे आप आएंगे तो आपको एमजीकेबीपी वाराणसी का फर्स्ट सेमेस्टर दिखेगा और थर्ड सेमेस्टर दिखेगा, और मतलब फर्स्ट थर्ड दिखेगा इस समय, आप थर्ड को वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अगले क्लास में लेके नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।